फूड प्रिजर्वेटिव के एग्जाम्पल देखो बच्चों, फूड प्रिजर्वेटिव के एग्जाम्पल जैसे कि हम नेचुरल देख लें तो नेचुरल में हो गया हमारा ऑयल। ऑयल चीज़ों को सड़ने से बचाता है। साथ में हमारा सॉल्ट, सॉल्ट भी चीज़ों को सड़ने से बचाता है। ये तो हो गए घरेलू नुस्खे। अब केमिकल देखो, तो केमिकल में देखो CO2 इन कोल्ड ड्रिंक्स। आपको पता है आपकी जो कोल्ड ड्रिंक सड़ती नहीं है उसमें कौन सी गैस घोली जाती है? CO2 गैस घोली जाती है, CO2। तो CO2 इन कोल्ड ड्रिंक्स। आप लोगों ने कभी कोल्ड ड्रिंक्स को शेक किया हो तो उससे बबल्स के रूप में गैस निकलती है, वो कौन सी गैस निकलती है? CO2। ये वो गैस होती है जो उसको सड़ने से बचाती है ना। यही आपके पेप्सी में, कोका कोला में, इन सब में यही पड़ी हुई है, सोडा बॉटल में CO2 इन कोल्ड ड्रिंक्स। और देखो ये सबसे महत्वपूर्ण केमिकल ये है, मिनरल वाटर में भी CO2 डिजॉल्व की जाती है, लेकिन मिनरल वाटर इसलिए उसकी ज़्यादा एक्सपायरी डेट नहीं रहती, उसकी 5 से 6 दिन रहती है। उसको क्या होता है, मिनरल वाटर के सभी जर्म निकाल दिए जाते हैं, सभी किल। तो मिनरल वाटर, सोडा वाटर में भी CO2 डिजॉल्व की जाती है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है, सबसे ज़्यादा आप जब मार्केट से प्रोडक्ट लाओगे ना तो उसमें ये मिला रहता है सोडियम बेंजोएट। एक केमिकल है जो सबसे ज़्यादा आपके सोडियम बेंजोएट, इसका फॉर्मूला भी लिख लो C6H5COONA। जो हो गया बच्चों आपके एग्रीकल्चर फील्ड में, अब देखो बच्चों आगे ये हमारे दो हो गए। अगला है हमारा थर्ड नंबर का है इन इंडस्ट्रियल फील्ड, थर्ड नंबर है इन इंडस्ट्रियल फील्ड। इंडस्ट्रियल फील्ड में भी केमिस्ट्री का यूज है, हाँ है ना, हमने पढ़ा था ना इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी होती है। इन इंडस्ट्रियल फील्ड, इन इंडस्ट्रियल फील्ड, इंडस्ट्री में जो कुछ भी बनता है सब में केमिस्ट्री है। जो आपके कपड़े बनते हैं ना उसमें भी केमिस्ट्री है, जो दुनिया भर के प्लास्टिक बन रहे हैं ये भी केमिस्ट्री है, ये जो सोना मेटल लोहा कॉपर आयरन सोना चांदी ये कहाँ से आ रहे, कहीं कोई पेड़ में लग रहे क्या? तो ये कहाँ से निकाले, धरती से ही जाते हैं, लेकिन फिर उसको प्योर फॉर्म में लाने के लिए केमिस्ट्री लगती है आपकी, है ना। आपके खाने में तो हमने देख ली केमिस्ट्री है, आपके जो भी बन रहा है प्लास्टिक के जितने आइटम्स बन रहे हैं वो भी, क्रीम पाउडर दुनिया भर की जो चीज़ें बन रही हैं, ये जो घर में रंग पुत रहे हैं, ये सब सब में क्या है, केमिस्ट्री है। साबुन जो बन रहा है सब में केमिस्ट्री है। जो फ्रिज आपका चल रहा है, फ्रिज में फिजिक्स तो है लेकिन जो वो ठंडा हो रहा है ना वहाँ केमिस्ट्री है आपकी। तो हर फील्ड में केमिस्ट्री, तो इन इंडस्ट्रियल फील्ड में देखो इन फॉर्म ऑफ रेयन। रेयन एक धागे टाइप होते हैं आपके, रेयन सिल्क, इन सबसे कपड़े बनते हैं। ऑर्लॉन नायलॉन, ये सब बच्चों पढ़ोगे आप एट्सेट्रा। तो पहले तो कपड़े बनाने के लिए यूज किया जाता है, वो तो प्लास्टिक है। अगला देखो इन फॉर्म ऑफ प्लास्टिक। ध्यान रखिएगा अधिकतर प्लास्टिक पॉलीमर होते हैं हमारे, अधिकतर प्लास्टिक पॉलीमर। जानते हो पॉलीमर बच्चों? बताएंगे बाद में। इन फॉर्म ऑफ प्लास्टिक पॉलीमर जैसे कि PVC,
अच्छा पहले सबसे बेकार वाली लिखिए, पॉलीथीन। पॉलीथीन ये सस्ती प्लास्टिक है बच्चों, सस्ती मिल जाएगी। पॉलीथीन का जग मिल जाएगा आपको 7 रुपये 5 रुपये में, लेकिन पीवीसी का मिलेगा 15 रुपये में 20 रुपये में। ये महंगा रहता है पीवीसी का, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके अलावा टेफ्लॉन, टेफ्लॉन। और सबसे खतरनाक प्लास्टिक है बेकेलाइट, बेकेलाइट। ये तो बहुत कठोर होती है, बहुत ज़्यादा कठोर। और भी होती है मेलेमाइन, मेलेमाइन के तो प्रोडक्ट तक आते हैं, दिस इज द मेलेमाइन प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट की क्या खासियत है पता है आपको? इसको मैं ऐसे फेंक दे टूटेगा नहीं, बहुत ही कठोर होता है। आप कहोगे आप लोग मन में आया होगा फेंक के दिखाओ, नहीं टूटेगा, लेकिन हो सकता है हम फेंके तो थोड़ा दागा पड़ जाए, तो इसलिए हम नहीं फेंकेंगे। दिस इज द मेलेमाइन, शायद लिखा हो नीचे इसमें, मेलेमाइन ब्रांड है, मेलेमाइन प्रोडक्ट। ये बहुत महंगा आता है मेलेमाइन। जैसे हम अगर आपको इसी की कॉस्ट बता दें तो ये अराउंड 100 to 150 रुपीज़ हो गए। तो ये मेलेमाइन बहुत महंगा आता है, और अगर आप किसी को पॉलीथीन में ले लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये का, 12 रुपये का। हाँ मिल्टन बेटा वो ब्रांड नेम है, वो केमिकल नेम नहीं है। मेलेमाइन इज द केमिकल नेम है ना। तो ये वो, अब जैसे पॉलीथीन है ये केमिकल का नेम है, पीवीसी ये जो केमिकल का नेम, टेफ्लॉन केमिकल नेम, बैक्टीरिया। मिल्टन तो ब्रांड नेम है, कोई व्यक्ति होगा जिसने अपनी कंपनी खोली होगी, अंग्रेज मिल्टन साहब होंगे कोई तो। हाँ अगला देखो मेलेमाइन, मेलेमाइन इसका पूरा नाम होता है मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, लेकिन आप बेस्ट मेलेमाइन लिख लो एट्सेट्रा, मेलेमाइन है ना। और देखो कपड़े बना लिए, प्लास्टिक बना लिए, अब घर भी तो बनाएं, घर बनाए फिर घर को पोते होते, या वाइट वॉशिंग करें या कलर वॉशिंग करें। वाइट वॉशिंग मतलब सफ़ेद रंग पोतना, कलर वॉशिंग मतलब रंग पोतना, ठीक है ना। इन फॉर्मेशन ऑफ, इन फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट, सीमेंट भी केमिस्ट्री की यूज से ही बनता है बच्चों। ग्लास, ग्लास, लाइम, चूना, ये भी इसी की यूज से बनता है। वार्निशेस, जो वार्निश बनते हैं, जो बैरिंग्स में लगाते हो आप लोग, वो भी इसी से बनते हैं, वार्निशेस। बैग्स, मोम, वो भी इसी से बनती है। रबर, रबर वो भी इसी से बनती है आपके। सीमेंट हो गया, ग्लास हो गया, लाइम हो गया, वार्निश हो गई, बैग्स हो गई, रबर हो गई, और भी दुनिया भर की चीज़ें आपके देश में बनती हैं आपकी। कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स जानते हो क्या बच्चों आप लोग? डू यू नो द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स? बताओ फिर क्या होते हैं कॉस्मेटिक्स? व्हाट इज द, बिल्कुल सही, जो ये शरीर पे पोता जाता है दैट इज कॉस्मेटिक, दे ऑल आर कॉल्ड कॉस्मेटिक। चाहे वो काजल हो, चाहे लिपस्टिक हो, चाहे क्रीम हो, चाहे डिओड्रेंट हो, चाहे मेकअप हो, दे ऑल आर द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। अलग अलग ब्रांड के आते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गए आपके, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा। यहाँ भी इसका यूज किया जाता है, सीमेंट बना लो, ग्लास बना लो, लाइम बना लो, वार्निशेस बना लो, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बना लो, यहाँ भी यूज किया जाता है। अगला 3 हो गए ना हमारे, अगला लिखो फोर्थ नंबर, इन कंफर्ट फील्ड्स, कंफर्ट फील्ड।
कंफर्ट फील्ड मतलब ऐसी चीज़ें भी केमिस्ट्री बनाती है जिससे हमें क्या मिलता है, आराम मिलता है, सुविधाएं मिलती हैं हमें। यहाँ भी केमिस्ट्री वर्क कर रही है इन कंफर्ट फील्ड, यहाँ भी आपकी केमिस्ट्री। हालांकि केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स भी है। इन मेकिंग ऑफ फ्रिज, फ्रिज बना प्लास्टिक से, वो प्लास्टिक कहाँ से आए, वो फाइबर कहाँ से आया, केमिस्ट्री से। फिजिक्स में मोटर लगी है, वो फिजिक्स से वर्क कर रही है। लेकिन जो वो फ्रिज ठंडा हो रहा है ना, वहाँ क्या लग रही है, केमिस्ट्री। इन मेकिंग ऑफ फ्रिज या रिफ्रिजरेटर लिख सकते हो आप, फ्रिज, एयर कंडीशनर, AC, AC भी इससे बनता है आपका एयर कंडीशनर। सोप्स नहीं होंगे तो कैसे नहाओगे, सोप्स बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। और बताओ, और कंफर्ट फील्ड में हम क्या क्या बनाते हैं, क्लॉथ, कपड़े बनाते हैं, क्लॉथ बनाने में भी इसका यूज होता है। और बताओ, और कौन कौन सी कंफर्ट फील्ड है जहाँ इसका यूज किया जाता है आपका, कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं, बताओ भाई बच्चों, कंफर्ट फील्ड में और क्या क्या है जिसका यूज करते हो आप। इन मेकिंग ऑफ फ्रिज, एयर कंडीशनर, सोप्स हो गए, क्लोथ हो गए, और भी दुनिया भर की चीज़ें बनती हैं। हाँ हो जाएगा बेटा, वो भी हो जाएगा, लेकिन वो कंफर्ट नहीं। हाँ वो, लेकिन एक इसमें हमारा कंफर्ट जिसका हम जनरली रोज यूज करते हैं, है ना, क्लॉथ हो गए, टूथपेस्ट, और हाँ बनते हैं, ब्रश भी बनते हैं, फ्लाइट भी बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, टूथपेस्ट एक्सेट्रा। अब आपको हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं बच्चों, ये आपके भविष्य में काम आएगी। आपसे कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि जो फ्रिज होता है या रेफ्रिजरेटर होता है उसमें कूलिंग के लिए क्या यूज किया जाता है, किसी को पता है कूलिंग के लिए क्या यूज किया जाता है? पहले यूज होता था CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको फ्रियॉन भी बोलते हैं, लेकिन ये ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसका यूज अब बंद कर दिया गया, बहुत ही कम होता है। तो अब यूज होता है आपके कूलिंग के लिए, इनमें यूज होता है नाइट्रोजन गैस यूज होती है, या फिर अमोनिया गैस यूज होती है, इन दोनों का यूज किया जाता है। और एक समय बाद जब ये खराब ख़त्म हो जाती है तो फिर पीछे एक सिलेंडर होता है, इसमें फिर से भरवानी पड़ती है, लेकिन जनरली इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती, चलती है 10-20 साल तक। मोस्टली आपसे पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस का यूज होता है, और अगर ना हो तो फिर अमोनिया का होता है। अगला देखो बच्चों, 5th नंबर, इन एनर्जी फील्ड अगली देखो बच्चों, 5th नंबर, इन एनर्जी फील्ड में देखें क्या क्या होता है। तो देखो, फॉसिल फ्यूल है तो, लेकिन उस फॉसिल फ्यूल प्योर नहीं होता, इम्प्योर होता, फिर उसको निकाला जाता है, उससे डीजल भी बनता है, पेट्रोल भी बनता है, केरोसिन ऑयल भी बनता है ना। तो एनर्जी फील्ड में सबसे पहले देखो, एज अ फॉसिल फ्यूल, एज अ फॉसिल फ्यूल लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट से पेट्रोल भी बनता है, डीजल भी बनता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट
कूल, क्यूला, क्यूला भी क्या है हमारा, फॉसिल फ्यूल, ये लकड़ी वाला क्यूला नहीं बच्चों, देखा आपने मैन क्यूला जो पत्थर जैसा होता है, हाँ दैट इज कूल। वुड, लकड़ी भी तो एक प्रकार की फ्यूल है हमारी, है ना, लेकिन ये फॉसिल फ्यूल नहीं, सिर्फ फ्यूल की कैटेगरी में आई है ना, एक्सेट्रा। अगला देखो फ्यूल के में, एज अ न्यूक्लियर एनर्जी, आप लोग जानते हैं न्यूक्लियर एनर्जी किसे कहते हैं, जैसे जो एटॉमिक बम होता है ना, इसको अगर फोड़ दिया जाए तो शहर का शहर तबाह हो सकता है, परमाणु बम बोलते हैं जिसे आप लोग हिंदी में, लेकिन अगर इसी बॉम्ब की जो एनर्जी है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में लगा दी जाए तो वो जो बहुत सारी एनर्जी जिससे हम किसी शहर को या देश को बर्बाद कर सकते हैं, उस एनर्जी को न्यूक्लियर रिएक्टर अपने में स्टोर कर लेता है, और फिर उस एनर्जी से हम क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के कई तरीके हैं, जैसे आप वाटर से भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं टर्बाइन को घुमा के, कोल से भी एनर्जी कर सकते हो, हवा से भी आप बाइंड के द्वारा भी कर सकते हो, एक और तरीका है न्यूक्लियर के द्वारा आपके, ठीक है ना। और एक और देखो, आजकल सूर्य की जो एनर्जी बर्बाद जा रही थी उसको भी इलेक्ट्रिसिटी हम बना सकते हैं, ये तो सबसे बढ़िया है, फ्री की है, एज अ सोलर एनर्जी। तो जे हो गए आपके एनर्जी फील्ड में। अच्छा, ये हमने कुछ केमिस्ट्री के स्कोप पढ़े और उसके यूजेज पढ़े, लेकिन कई जगह केमिस्ट्री जब हमें फायदा पहुंचाने की कोशिश करती है तो उसके नुकसान भी है। आप कोई भी चीज का यूज करते हो, अगर उसका लिमिट से बाहर यूज करते हो तो इट मे कॉज ऑफ पॉल्यूशन। जैसे कि केमिस्ट्री का एक सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये है कि केमिस्ट्री से जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, जैसे एयर कंडीशनर, उसमें अभी भी CFC यूज होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और वो किसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, ओजोन की लेयर को। और अगर ओजोन लेयर अंटार्कटिका के एक बहुत बड़े क्षेत्र में, एरिया में ओजोन लेयर ख़त्म हो चुकी है, उसी को आप लोग बोलते हो ओजोन होल, क्योंकि स्पेस से वो होल की तरह दिखता है। और हमारे अर्थ के कई एरिया ऐसे हैं जहाँ ओजोन लेयर पतली होती जा रही है। अब जो सनलाइट आती है उसमें कई प्रकार की आपकी हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, उनसे स्किन में कैंसर तक हो सकता है। उन रेडिएशन को कौन अब्जॉर्ब कर लेता है, ओजोन लेयर, लेकिन ये पतली होती जाएगी तो वो रेडिएशन पूरी अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, और ख़त्म हो जाएगी तो वो सीधे आएगी, इससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, पोल्यूशन का कारण बन सकता है। इसी प्रकार एटॉमिक बम, ये हमारे साइंटिस्टों के हाथ में है तो ठीक है, लेकिन अगर ये किसी गलत हाथ में पड़ जाए तो पूरे का पूरा देश बर्बाद कर सकता है। या मान लो एटॉमिक बम बनाने का फॉर्मूला और उसका केमिकल गलत हाथों में पड़ जाए तो पूरा का पूरा देश बर्बाद कर सकता है। तो उसका प्रॉफिट तो एटॉमिक बम, एटॉमिक एनर्जी का जो है कि उससे आप इलेक्ट्रिसिटी बना लो, लेकिन अदर साइड इफेक्ट है उसका कि उसको गलत हाथों में चला गया तो। या मान लो लड़ाई हो रही है दो देशों के बीच में, तो बड़ा देश कमज़ोर देश को इसी प्रकार धमका सकता है। जैसे कि एक समय अमेरिका ने जापान के दो शहर थे, सिटी थी, हिरोशिमा एंड नागासाकी, उस पर गिरा दिया था। आज भी वहाँ की ज़मीन में जो घास होती है ना, भूरे कलर की होती है, आज भी वहाँ के बच्चों में रेडियो एक्टिव इन्फेक्शन, जेनेटिक डिसीज हो गई है कि कहीं आंखें टेढ़ी होती हैं, कहीं हाथ टेढ़े होते हैं, कहीं जीभ बड़ी होती है, कहीं वो टेढ़ा, गलत मत समझना बच्चों, ये हो रहा है। अब बोलने में भले ही आपको अजीब लगे, लेकिन वो उस समय जो उनने किया उसका परिणाम आज तक भुगत रहा है देश। तो बोले प्रॉब्लम है कि नहीं, तो इसी में नीचे लिखना है,
केमिस्ट्री इज यूजफुल इन मैनी फील्ड्स, इन मैनी फील्ड्स बट इन सम केस इट मे ऑल्सो becomes cause of environmental problem हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकती है। एनवायरनमेंट की स्पेलिंग सही लिखिएगा, environmental एनवायरमेंटल प्रॉब्लम लाइक CFC, इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इज वन ऑफ द मोस्ट केमिकल वन ऑफ द मोस्ट केमिकल विच इज रेस्पॉन्सिबिल किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर को लगातार ही डिप्लीट खत्म कर रहा है, DEPLETION। देखो केमिस्ट्री बहुत सारी फील्ड में उपयोगी है, लेकिन कुछ केसेस में ये हमारे प्रॉब्लम का कारण भी बन सकती है, जैसे कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, पर्यावरणीय प्रॉब्लम में सबसे खतरनाक प्रॉब्लम जो इस समय चल रही है उसमें से एक है ओजोन लेयर का ख़त्म होना। इसके अलावा और भी है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, दे आर ऑल्सो मैनी फैक्टर, ग्लोबल वार्मिंग तो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, क्या आप लोग जानते हो इन टर्म को, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एसिड रेन क्या है, आप इन सब चीज़ों को जानते हो? जैसे हम आपसे पूछे ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोब का वार्म हो जाना, गर्म हो जाना, इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब ये ग्लोब वार्म क्यों हो रहा है, इसका कारण है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं जैसे कि CO2, इस सनलाइट को एंट्री तो अंदर कर देती है लेकिन इतनी लेयर तेज है कि बाहर नहीं जाने देती, उससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है ग्लेशियर पे। डू यू नो द ग्लेशियर, बर्फ के पहाड़, वो हमारे क्या कहलाते हैं, ग्लेशियर। सबसे ज़्यादा पानी हमारा कहाँ पर है, समुद्र में, सागर में, महासागर में, और फिर ग्लेशियर के फॉर्म में। ये तो 1% नहीं है जो नदियों में है, तालाब में, क्यों कुओं में, ज़मीन की, तो 1% नहीं है, 99% पानी कहाँ है, समुद्र में, सी में, ओसीन में, और बर्फ़ के पहाड़ों में। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वो बर्फ़ के जो पहाड़ हैं कई मिलियंस फील्ड में फैले हैं वो पिघल रहे हैं, और उनके पिघलने से क्या हो रहा है, वो पूरा पानी समुद्र में जा रहा है, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है,
तो समुद्र फैल रहा है और समुद्र के फैलने से उसके आस पास के शहर मिटते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हो आज टेम्परेचर 47-48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, इवन सम प्लेस 50 डिग्री सेल्सियस। जानते हो हम पानी के आधा उबलने की स्टेट में पहुंच चुके हैं, 100 डिग्री पे पानी उबल जाता है, तो 50 डिग्री तक पहुंच चुके। आप सोचो एक समय टेम्परेचर 35-33 इतना होता था, अब इतना ज़्यादा हो रहा है, एक ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ी परेशानी का कारण बढ़ रहा है डे बाई डे। अब देखा जा रहा है कि 1 से 2 मीटर बर्फ़ के पहाड़ ख़त्म हो रहे हैं। आप छोटी घटना मत समझना, 1-2 मीटर बर्फ़ के पहाड़ मतलब विशाल क्षेत्र, इतना विशाल क्षेत्र कि ये पन्ना ना छोटा पड़ जाए, बहुत बड़े 1-1 मीटर बर्फ़ के पहाड़ अगर खिसक गया ना तो उसका जो जल है वो समुद्र में आ रहा है, उसके साम आस पास की सब सिटी नष्ट हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम है और इसका एक ही सलूशन है कि आप पर्यावरण को नुकसान मत पहुंचाओ, पानी का वेस्ट मत करो, कोशिश करो आप किसी भी चीज़ को ऐसे यूज मत करो जो प्रकृति को नुकसान पहुँचाएँ, है ना। और इसमें सरकार को और हमारे वैज्ञानिकों को भी काम करना पड़ेगा, हमें कोई ऑप्शन दे, कोई ऐसा फ्यूल दे जिससे CO2 जनरेट ना हो, एयर कंडीशन में कुछ ऐसा यूज करे जिसमें CFC ना हो, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा हमें। जो डिओडोरेंट लगाते हो आप उसमें भी CFC होता है, आप देखना पीछे लिखा रहेगा, उससे भी ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो आपने लगाया, आपको लगा रहा उड़ कुछ समय बाद वो आपके शरीर से उड़ के हवा में फैल जाएगा और हवा से चला जाएगा ऊपर, ठीक है। चलिए डालिए बच्चों एक्चुअली में केमिस्ट्री आपकी अब आज से चालू हो रही है। पिछले 1-2-3 आपने अभी तक जो पढ़ा है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आप फैक्ट याद रखना, जो हमने फैक्ट आपको बताए इनको आप पढ़ लेना नॉलेज वाइज। अब आपकी मेन केमिस्ट्री चालू हो रही है, डालिए हेडिंग डालिए बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो बच्चों आज हम आपको पूरा क्लासिफिकेशन करा देते हैं मैटर का, और कल हम पूरा मैटर पढ़ेंगे। तो आपकी कल से एक्चुअल पढ़ाई चालू होगी और आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाओ। संजना रेडी हो जाओ, विजेता रेडी हो जाओ, बिल्कुल तैयार। अब यहाँ से एक एक टॉपिक याद होना चाहिए, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो देखो बच्चों मैटर का हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ध्यान से देखना। तो मैटर का जो क्लासिफिकेशन होता है कैसे में कर दें, नीचे की तरफ कर दें कि ऐसे में कर दें, कैसे में आप लोग लिखना पसंद करोगे, नीचे की तरफ ऐसे, ऐसे में जाएगा लिमिटेड है, यहाँ से यहाँ ख़त्म हो जाएगी, नीचे में थोड़ी ज़्यादा है, ऐसे कर दें। तो चलिए देखिए डालिए हेडिंग, कई बड़ा क्लासिफिकेशन होना है बच्चों, संभल के करिएगा जगह कम पड़ जाएगी नहीं तो। मैटर, मैटर, मैटर हम कर रहे हैं मैटर का क्लासिफिकेशन। तो बच्चों सबसे पहले हम कर रहे हैं मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो बताओ बच्चों फिजिकल मैटर को फिजिकल फॉर्म में कितने रूपों में डिवाइड किया जा सकता है, जानते हो क्या, बोलो फिर।